के बाद में हरिवंश महाप्रभु का 551वां महोत्सव मनाया गया। मथुरा में बंसी अवतार रसिकाचार्य गोस्वामी श्रीहरि हरिवंश चंद महाप्रभु का 551वां प्राकट्य उत्सव बड़े उत्सव ही हर्षोल्लास के साथ महाप्रभु जी की जन्मभूमि श्री जी मंदिर बाद गांव में श्री महंत लाडली शरण महाराज के सानिध्य में महोत्सव मनाया गया। मोहिनी एकादशी को प्रातः मंदिर प्रांगण में दीप प्रज्वलित कर सजाया गया एवं वट वृक्ष पर प्रातः में पद गायन के साथ वंशी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। पंचामृत अभिषेक के उपरांत समाजियों ने समाज गायन कर बधाई गायन किया। मनोज गोस्वामी ने हितोत्सव की बधाइयां भक्तों को लौटाई। देश भर के अलग अलग राज्य और विदेश से आए भक्तों ने महाप्रभु की जन्मभूमि में 551वें हितोत्सव के साक्षी बनकर अपने आप को सौभाग्यशाली माना। हितोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीजी मंदिर के महंत दंपति शरण महाराज ने कहा कि महाप्रभु की प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में महाप्रभु का महोत्सव 40 दिवसीय मनाया जाता है। उसमें 1 महीने तक समाज गायन होती है। महोत्सव मनाकर महाप्रभु की छठी उत्सव दधोत्सव के साथ महाप्रभु जी का 40 दिवसीय महोत्सव मनाया जाता है। सतीश तरकर, मथुरा, समाचार 24। महाराज जी, आज श्री हरिवंश जी का जन्मोत्सव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये हरिवंश महाप्रभु जिस तरह से जो राधा रानी रावल में अवतार हुआ, राधा रानी का ठाकुरी का गोकुल में अवतार हुआ, ठाकुर जी के परस्पर से उनको प्रेम है, प्रेम की बंसी के अवतार के रूप में हरिवंश महाप्रभु बाद ग्राम में प्रकट हो गए। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है? ये 450 साल से ये प्रोग्राम चला आ रहा है। कितने दिन ये कार्यक्रम चलता है यहाँ? ये यहाँ ये वृंदावन में, यहाँ बाद ग्राम में, ये ब्रासमंडल में, यहाँ करके मतलब 1 महीना चलता है। 1 महीना ये 28 तारीख को जो दशठन उत्सव के बाद में इसका प्रोग्राम पूर्ण होगा। अभी छठी उत्सव मनेगा, इसलिए से ये जगह जगह वृंदावन में यहाँ 1 महीना तक बधाई चलती रही। इसलिए तरह तरह का लीला, रासलीला है, भागवत है, संतों का प्रवचन है, विद्वत संगीतमय आयोजन इस बराबर चलते रहे हैं। इसलिए कि आज का यहाँ का योग वहाँ पर उसका प्राकट उत्सव है, यहाँ बाग धाम, यहाँ हरिवंश महा प्रकट हो गए, उनका ये 551वें साल है। कहाँ से यहाँ लोग आते हैं, कितने देश प्रदेश से आते हैं? ये तो सभी प्रांत से आते हैं, यहाँ से कुछ भी ऑस्ट्रेलिया से भी आए, अमेरिका से भी आए हुए, अपने पंजाब से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, ये तो सभी प्रांत यहाँ से भक्त लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ के उत्सव मना उल्लास के साथ अपने हरिवंश महाप्रभु का प्रकट उत्सव हो रहा है, उसको उत्सव को दर्शन करने के लिए उल्लास के सभी लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। जगह जगह से भक्त लोग आ रहे हैं, आनंद रस मना रहे हैं, वृंदावन मना रहे, जगह जगह ये उत्सव का महत्व। वृंदावन विशेष रूप से, वृंदावन में जो बड़ा राष्ट्रमंडल है वहाँ विशेष आयोजन वगैरह चलते वहाँ को। आज कार्यक्रम में जो भक्त आए उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भक्तों का भी इस रीति को, भक्तों की भावना थे तब उसको भक्तों का हम आशीर्वाद देते हैं। ऐसे उस समय शामिल है उत्साह के साथ में, उल्लास के साथ में आए, भजन कीर्तन समाज गायन इस तरह से उन्होंने भाग लिया, इन्होंने आनंद लिया, इस तरह से हम इसको बधाई देते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में जुड़े रहे। जीवन का सबसे बड़ा यही है, ठाकुर जी को प्राप्त करना, ठाकुर जी के साक्षात दर्शन की लीला करना, ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। हरिवंश महाप्रभु इसलिए बंसी के अवतार होने के कारण यहाँ इनका अवतार हुआ। इस तरह से स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी को प्रकट किया, हरिवंश महाप्रभु ने राधा बल्लभ जी को प्रकट किया, गोपाल भट्ट जी ने जो राधा रमन जी को प्रकट किया, ये प्रकट ठाकुर के ये लाड़ीले हैं हरिवंश आचार्य, इनके द्वारा प्रकट ठाकुर ये वृंदावन में राधा बल्लभ जी का मंदिर है, इस तरह से सेवा कुंज है, राष्ट्रमंडल है, इस तरह से हरिवंश महाप्रभु उन्हीं के अवतारित रूप है।